गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 7 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन 8 देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। लिखा है सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। देखिए आप लिखा है दो ऑड नंबर को हम सम करने पे क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। अगर मान लीजिए हम देखें कि अगर हम दो ऑड नंबर ले लें, मान लीजिए 3 है और 5 है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 8 होगा। 8 एक क्या है, इवन नंबर है। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इवन नंबर भी हो सकता, इवन नंबर होता है, ठीक है। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ऐसे ही आपको ये 8 वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 लिखा है, 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 1 के केवल एक ही फैक्टर है, तो आपको बताया था 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरह से आप पूरा 8 का क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन 9 से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 9 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कोप्राइम। इसमें पता करना है कि क्वेश्चन 9 में कि कौन सा इसमें है जो कोप्राइम नंबर है। 18 और 30 ये कोप्राइम है कि नहीं। तो कोप्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं उसको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। तो हम 18 और 30 का पहले फैक्टर निकालेंगे, 18 एंड क्या है 30। तो हम पहले फैक्टर ऑफ 18 निकालते हैं। 18 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से 9 बार में कटेगा तो 9 भी इसका फैक्टर होगा। 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी 3 और 6 भी इसका 6, 3 से 6 बार में डिविजिबल होगा तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। 4 नहीं होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 2 से 15 बार में डिविजिबल होगा तो 15 भी इसका फैक्टर होगा। अब 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से 10 बार में डिविजिबल होगा तो 10 भी इसका फैक्टर होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 से 6 बार में डिविजिबल होगा तो 5 भी इसका फैक्टर होगा और 6 भी फैक्टर होगा। अब 10 और 15 हमें मिला है, 16, 15 यहाँ पे हम राइट कर लेंगे और एक 30 है। इस तरह से इसके इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें। तो अब इसमें हम कॉमन फैक्टर खोजेंगे, कॉमन फैक्टर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो एक 1 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और हमें 2 मिल रहा है कॉमन ना, और क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमें कॉमन, 6 कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं तो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे तो कई सारे कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंस दे हैव, सिंस इट हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 के अलावा भी इसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो इट इज नॉट को प्राइम नंबर, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया है 15 और 57। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है 15 और 57 दिया है क्वेश्चन सेकंड। तो फैक्टर ऑफ 15 निकालते हैं, तो 1 इसका फैक्टर होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा, इतने सारे इसके फैक्टर्स होंगे। 57 का अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1 होगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 19 बार में, तो 19 भी इसका एक फैक्टर होगा। 3 और किससे अब कटेगा ये 57, तो अगर हम देखें तो ये अब किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो अब ये 19 से डिविजिबल होगा और इसके बाद से 57 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। 1 कॉमन हो रहा है दोनों में,
और 3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, 1 तो मिल ही रहा है, 1 तो सब में मिलता है, अब 1 के अलावा भी 1 मिल रहा है, तो 3 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे इंस सिंस इट है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो इट इज नॉट को प्राइम नंबर। तो इस तरह से इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 9 का सेकंड क्वेश्चन था ये, क्लियर। ये आपको नहीं लिखना है। तो अब क्वेश्चन 3 और 4 आपको सेल्फ करना है, अपने मन से करना है। सो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 10 पूछा हुआ है, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर जो है ऑड हो सकता है, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो ऑड हो ही सकता है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसे अब आप देखेंगे कि 9 है, ठीक है, 15 है, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। 15 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आपको ये भी लिखना है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, वो होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका 10 का सॉल्यूशन में, यस लिखेंगे, ए कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड, यस अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर जो है ऑड नंबर हो सकता है, क्लियर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 9। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या होता है, 9 होता है, सो अंडरस्टैंड। इस तरह से 3.2 आपका फाइनल हुआ, क्लियर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।